यूपी के हमीरपुर जिले में हिंदू धर्म एवं देवी देवताओं के विरुद्ध भ्रामक प्रचार प्रसार के आरोप में हिंदुत्ववादी नेताओं ने 3 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। साथ ही पुलिस को तहरीर देकर इस कृत्य में शामिल तमाम साथियों पर भी कड़ी कार्यवाही की मांग की है। दरअसल यह पूरा मामला हमीरपुर जनपद के मौदहा कोतवाली कस्बे का है। यहां कुछ युवक हिंदू धर्म एवं देवी देवताओं के विरुद्ध भ्रामक प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिसकी जानकारी स्थानीय हिंदुत्ववादी नेताओं को हुई तो नेताओं ने भ्रामक प्रचार प्रसार कर रहे 3 युवकों को पकड़कर मौदहा कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही पुलिस को तहरीर सौंपते हुए इनके अन्य साथियों पर भी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। स्थानीय पुलिस ने जानकारी दी है कि आरोपी युवक संत कबीर समाज के प्रचारक हैं। मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। क्या नाम भैया आपका? प्रहलाद सिंह, पूर्व क्षेत्रीय प्रत्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। क्या मैटर है, क्या कुछ बताएंगे, क्यों भीड़ लगी है? नवरात्रि के पावन त्यौहार को लेकर के नगर के सभी सप्रांत लोग तहसील में बैठे हुए थे। तो करीब 20 से 25 लोग औरतें और पुरुष सब लोग किताबें बांट रहे थे। हम लोगों ने हमारे पास भी आया, उन्होंने पर्चा दिखाया। पर्चा में हमारे देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा लिखा हुआ है, किताबों में भी लिखा हुआ है। ये लोग बांट रहे हैं नगर में और हमारे देवी देवताओं के बारे में काफ़ी उल्टा सीधा लिखा हुआ है। लोगों को गलत समझा कर बरगला करके ये लोग मौदहा में एक गेस्ट हाउस में कार्यक्रम भी कर रहे हैं। वहाँ 5 से 6 हज़ार लोग वहाँ भी कर रहे हैं। तो ऐसा नगर में कोई दंगा या ऐसी कोई स्थिति ना पैदा हो, उसके पहले हम लोग पुलिस को सूचना देकर के इन लोगों को पकड़वा दिया। तो अभी क्या चल रहा है प्रशासन? अभी इन लोगों के पास काफ़ी करेंसी पकड़ी गई है, नोटों की। नोट भी देखे जा रहे हैं, सब एक ही सीरियल के 5-5 करोड़ नोट, 1-2 लाख रुपये पकड़ा गया है। अभी पुलिस उसकी जाँच कर रही है। क्या मामला हुआ है? कौशल सिंह, मैं जिला उपाध्यक्ष विश्वेंदु प्रसाद। पूरे नगर में गिरोह बना के बिना परमिशन के कुछ लोग धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां, पर्चे, किताबें बांट रहे थे। कह रहे थे ईश्वर कुछ नहीं है, सिर्फ बाबा रामपाल ही ईश्वर है और बहुत ही आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। ये सूचना जब हम लोगों के द्वारा आई, हम लोग वहाँ गए, हमने इन्हें रोका तो कह रहे तुम लोग नास्तिक हो, तुम लोग कुछ पता नहीं है, हम लोगों को ईश्वर का ज्ञान है और भाग जाओ, नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे। इसके बाद हमने प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन उनको पकड़ के लाई। 5-5 रुपये की करंसी सबके पास जेब में, करंसी के नोट पकड़े गए हैं, यथावत एप्लीकेशन में लिखा गया है और पुलिस इनको पकड़ के लाई। कितना धन पकड़ा गया? करीब 2 लाख रुपये अभी तक पकड़ा जा चुका है। इसके बाद अभी जाँच चल रही है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं विधो इसकी पूरी तह तक जानकारी हो कि कहां से इनकी फंडिंग हो रही है और ये सब हिंदू धर्म को जो तोड़ने का कुत्सित प्रयास चल रहा है ये रोका जाए और भयंकर विधि विरुद्ध जो भी कार्यक्रम है इनके कठोर से कठोर कार्रवाई इनके खिलाफ। आशीष सिंह, क्या मैटर है भैया, क्या भीड़ लगी है इस टाइम? एक बाबा रामपाल है जो ज्ञान गंगा नाम से पुस्तकें वितरित करके लगातार देवी देवताओं पर टिप्पणी करके मौदहा नगर का पूरा माहौल खराब करना चाहते हैं। इन किताबों पर पूरी नफरत से भरी हुई है। देवी देवताओं के खिलाफ जितनी गंदी टिप्पणी हो सकती है उन सभी टिप्पणी से भरी हुई किताब है। इसके साथ साथ इनके लोग लगातार इनकी जेबों पर करेंसी निकल रही है, जो लगातार इनकी फंडिंग हो रही है। कहाँ से फंडिंग हो रही है सोचने का विषय है, जाँच का विषय है। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम मौदहा पर होते हैं जिससे मौदहा का माहौल खराब होने की पूरी शंका है। प्रशासन से हम मांग करते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन ऐसे लोगों पर की जाए। मामला है, आप क्या क्या कर रहे थे आप? जी ये सत्संग चल रहा था हमारे संत रामपाल जी महाराज का। तो क्या हुआ उसपे? उसपे कुछ नहीं, ये जो है तो कुछ प्रचार कर रहे थे पुस्तकों का, जो साक्ष प्रमाणित पुस्तकें हैं वो जो है संत रामपाल जी की यहाँ सेवा हो रही थी मौदहा कस्बे के अंदर, उसी में जो तो भाइयों को कुछ तकलीफ हुई होगी। ये तकलीफ आपने एक धर्म विशेष को अनर्गल बातें लिखी हैं जो आपकी किताबों में, आप पर्चे बंटवा रहे हैं तो उस पर ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पर्चे बट रहे हैं ये सारे हमारे शास्त्रों के अनुसार ही पर्चे बटे हुए हैं। नहीं, आप शास्त्र कह रहे हैं लेकिन आप तो धर्म को मानते नहीं है, शास्त्र कैसे मान रहे हैं आप? भाई हम कोई धर्म से अलग है नहीं, माँ दुर्गा के पति सांड थे क्या है ये सब इस तरह की चीजें लिखी है? तो उसका कोई पति होगा तभी जो तो भाई तो सांड है, देवी देवताओं के पति सांड होंगे। आपकी आपकी किताबों की आपकी किताबों तो यही लिखा है। नहीं, प्रशासन ने भी माना है।